नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़रोड़ा तथा प्रो स्टॉक्स के अंतर के बारे में। ज़रोड़ा भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। प्रो स्टॉक्स रिलेटिवली काफी नई है, 2016 में ही ये मार्केट में आए हैं। इस डिफरेंस में हम बात करेंगे अलग अलग मायनों पे। हम देखेंगे दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड्स क्या हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या हैं, ये कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं पर ट्रेड या पर ऑर्डर लेवल पे, हर एक सेगमेंट पे कितना एक्सपोजर या लेवरेज अलाउ किया जाता है क्लाइंट्स को, इनकी रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है स्पेसिफिकली मोबाइल एप्स पे, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। ज़रोड़ा भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी 2010 में लॉन्च हुई थी। इनके सीईओ नितिन कामत हैं। भारत वर्ष में इनके 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं मेट्रो सिटीज में, तो अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक ऑफलाइन मदद मिल सकती है। जहां तक प्रो स्टॉक्स की बात है, प्रो स्टॉक्स रिसेंटली ही 2016 में लॉन्च हुआ है। इनकी एग्जीक्यूटिव टीम मंगल केशव जो कि भारत का एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है वहां से है। एक डिफरेंस इनमें सिंपल ये है कि प्रो स्टॉक्स आपको कमोडिटी में ट्रेड करना अलाउ नहीं करता है, जबकि ज़रोड़ा आपको अक्रॉस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स में भी ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ खाता खोलने में, तो उसके शुल्क क्या क्या है। जहां तक ट्रेडिंग अकाउंट की बात है तो ज़रोड़ा आपसे 200 रुपया चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कुरियर करें तब ये राशि 300 रुपया हो जाती है। प्रो स्टॉक्स भी आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के लिए 300 रुपया लेता है। जहां तक डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात है, ज़रोड़ा के लिए चार्ज है 100 रुपये। प्रो स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 300 रुपये जरूर लेता है, लेकिन डीमेट अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब बात आती है एएमसी यानी कि सालाना अकाउंट को मेंटेन करने का खर्चा, तो डीमेट अकाउंट लेवल पे ज़रोड़ा 300 रुपया लेता है तथा प्रो स्टॉक्स आपसे 1000 रुपया लेता है, लेकिन ये रिफंडेबल है, आपको वन टाइम डिपॉजिट देना है, इसके बाद आपको कभी भी कोई एएमसी नहीं देनी है। ये बात समझना जरूरी है कि प्रो स्टॉक्स के केस में जो भी वैल्यू आप दे रहे हो 1000 रुपये इस केस में, वो आपको अकाउंट क्लोज करते हुए वापस रिफंड हो जाएंगे। अब बात आती है ब्रोकरेज चार्जेस की। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ज़रोड़ा के साथ आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि जहां तक ब्रोकरेज चार्जेस की बात है, ब्रोकरेज चार्जेस निल हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना है। बाकी पर्टिकुलर सेगमेंट्स में वो वैल्यू 20 रुपए तक मैक्सिमम जा सकती है, तो ज़रोड़ा केस में जो ब्रोकरेज का मैक्सिमम कैप है वो 20 रुपए तक है अक्रॉस सेगमेंट्स। अगर हम बात करें प्रो स्टॉक्स की, तो प्रो स्टॉक्स में वो वैल्यू 15 रुपए है। हर एग्जीक्यूटिव ट्रेड पे आपको 15 रुपए फ्लैट देने हैं। कमोडिटी में सिंस ही आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए कोई ब्रोकरेज नहीं दिया गया है। तो उस मामले में डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक ब्रोकर को आप फिर चूज कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सपोजर या लेवरेज की। एक्सपोजर या लेवरेज का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हर स्टॉक ब्रोकर आपको एक लिमिट देता है ट्रेड करने के लिए, ज्यादातर इंट्राडे लेवल पे। तो मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, और अगर हम प्रो स्टॉक्स का एग्जांपल लें, तो प्रो स्टॉक्स आपको इक्विटी इंट्राडे में 70,000 रुपए तक ट्रेड करना अलाउ करेगा। उसी तरीके से ज़रोड़ा आपको 50,000 रुपए तक ट्रेडिंग अलाउ कर सकता है। अगर हम बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो प्रो स्टॉक्स आपको ज्यादा एक्सपोजर या लेवरेज प्रोवाइड नहीं करता है। इनफैक्ट करेंसी में तो ये बिल्कुल भी एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करता। जहां हम ज़रोड़ा की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो कंसिस्टेंट लेवल पे कुछ ना कुछ एक्सपोजर अक्रॉस सेगमेंट ज़रोड़ा प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक्सपोजर में ट्रेड करना चाहते हैं, तब आपके लिए इन दोनों में से ज़रोड़ा एक फा बेटर ऑप्शन है।
अब हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस की। ये एक ऐसा पहलू है जो ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कस्टमर सर्विस पे बहुत ध्यान देते हैं। ज्यादातर ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स फुल सर्विस सेगमेंट में होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स में कस्टमर सर्विस को एक एवरेज पैरामीटर माना जाता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रो स्टॉक्स और ज़ेरोडा के लिए, तो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में बात की कि ज़ेरोडा के पास 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, आपको कुछ हद तक मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ टियर सिटीज से हैं, तब आपके लिए कस्टमर सपोर्ट दोनों प्रो स्टॉक्स तथा ज़ेरोडा के लिए बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे रिसर्च और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। अब सिंस दोनों प्रो स्टॉक्स तथा ज़ेरोडा डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो ये आपको रेगुलर रिपोर्ट्स, रिसर्च, टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं, लेकिन ज़ेरोडा के कुछ इनिशिएटिव्स हैं ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए, जिसमें आप चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं बेसिक्स तथा फंडामेंटल्स ट्रेडिंग के ऊपर। उस पोर्टल का नाम है वार्सिटी, जो कि आपको रेगुलरली अपडेट करता है ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए। उसी तरीके से ओपन ट्रेड एक फोरम है, जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स या एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ट्रेडिंग बिहेवियर एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। प्रो स्टॉक्स अभी इस मामले में कोई इनिशिएटिव लेके नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन है, उसमें कुछ तो कुछ उनको ऐसे इनिशिएटिव्स नजर में लाने होंगे। ट्रेडिंग सेगमेंट्स की बात करें तो ज़ेरोडा आपको आईपीओज में इन्वेस्ट करने नहीं देता, लेकिन प्रो स्टॉक्स सिर्फ इक्विटी तथा करेंसी में आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करने की प्रोविजन देता है। आप ना ही म्यूचुअल फंड्स, ना ही कमोडिटीज में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप प्रो स्टॉक्स के ग्राहक हैं तो आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स तथा स्पेसिफिकेशंस रेडी रखनी होंगी कि आपको किन किन सेगमेंट्स में ट्रेड करना है। लेकिन ज्यादातर जो कस्टमर्स, ट्रेडर्स होते हैं, वो इक्विटी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इक्विटी में प्रो स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है। अब रहते हैं बाकी कुछ अलग अलग फीचर, इस पे हम वापस आएंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं इन दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स की मोबाइल ऐप के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आजकल जब लोगों के पास समय कम है और वो ट्रेडिंग ऑन द गो करना चाहते हैं। उस केस में मोबाइल ऐप एक जरूरी और अच्छा ऑप्शन साबित होता है। इस रेफरेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर। अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए हमने कुछ यूजर इंटरव्यूज तथा सर्वेस भी किए हैं, जिससे ये रिसर्च को मदद मिल सके। अब जहां तक बात आती है ज़ेरोडा काइट मोबाइल ऐप की, तो प्ले स्टोर पे इनका रेटिंग 4.2 है करीब 7100 लोगों द्वारा। उनमें से करीब 12% लोगों ने इसको 1 या 2 पे रैंक किया है, जो कि एक अच्छा नंबर है। 88% लोगों ने ऐप को सेटिस्फैक्ट्री या अच्छा बताया है। जहां तक इनके स्टैट्स की बात है, तो लास्ट अपडेट 23 फरवरी 2017 को हुआ था। आज हम 14 मार्च 2017 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो करीब करीब 3 हफ्ते पहले ये ऐप अपडेट हुई है। इनका जनरल अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल भी 3 से 4 हफ्ते में लाई करता है, जो कि एक अगेन अच्छा नंबर है। इसमें फायदा ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ये रहता है कि उनको नए नए फीचर्स और जो पुराने वर्जन में बग्स थे वो फिक्स होकर रेगुलरली मिलते रहते हैं। जहां तक इंस्टॉल्स की बात है, तो ये ऐप 1 से 5 लाख की रेंज में इंस्टॉल की जा चुकी है। जो भी कंसर्न्स हमारे यूजर इंटरव्यूज में सामने आए, वो थे अराउंड इनके चार्टिंग फीचर के। फॉर एग्जांपल, अब इनका चार्टिंग फीचर मोबाइल ऐप पे यूज करना कुछ यूजर्स के लिए मुश्किल साबित होता है। दूसरा कंसर्न है इनका लो इंटरनेट कनेक्शन पे वर्क करना। तो अगर आप थर्ड या फोर्थ टियर सिटीज में से डिसाइड करते हैं, तो आपको ऐप को यूज करने में कुछ इंटरमिटेंट लेवल पे इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो जब भी आप एग्जीक्यूटिव से बात करें, तो आप मोबाइल ऐप या किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डेमो जरूर लें, और ये डेमो आपके खुद के इंटरनेट कनेक्शन पे होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको रियल टाइम पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, और बाद में आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि अगर आपको मुश्किल आती है, तो आपका आंसर सामने है, आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में उनकी ऐप वर्क नहीं करेगी, जो कि आपको बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं इनके कुछ पॉजिटिव्स की। क्योंकि मोबाइल ऐप का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आंका गया है, इजी टू यूज एप्लीकेशन है, आप अच्छे से आराम से सीख पाएंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करना।
दूसरा पॉजिटिव ये है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि ये ऐप रेगुलरली अपडेट होती है, तो यूजर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि उनको नए नए फीचर्स देखने को और यूज करने को मिलते हैं। तो ये है ज़िरोला की काइट मोबाइल ऐप। अब हम बात करते हैं प्रोस्टॉक्स की मोबाइल ऐप के बारे में। जितना पॉजिटिव ज़िरोला की काइट मोबाइल ऐप है, हालांकि उतना ही नेगेटिव हम कह सकते हैं कुछ लेवल तक प्रोस्टॉक्स के मोबाइल ऐप के बारे में। अब प्रोस्टॉक्स की मोबाइल ऐप की रेटिंग है 3.3। हमने जो वर्स्ट एवर रेटिंग देखी है अभी तक हमारे यूजर इंटरव्यूज तथा रिसर्च में, वो है 3.2। वो है सैश ऑनलाइन की मोबाइल ऐप, उससे रिलेटिवली हालांकि थोड़ी सी बेटर है, बट सिर्फ 14 लोगों ने इसको रिव्यू किया है, तो इस लेवल पे हम इसको अच्छा सैंपल साइज नहीं मानते हैं। तो फिर भी इसमें अभी और रिव्यूज आने बाकी हैं। हालांकि 3.3 पे ये ऐप ओकेश है, बिलो एवरेज है टू एन एक्सटेंट, उसमें से भी करीब करीब 30% लोगों ने इसको 1 या 2 पे रैंक किया है। तो ये मोबाइल ऐप हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। इनके कंसर्न्स काफी जेन्युइन है, स्पेशली इनके फीचर्स को यूज करने में, इनके बेसिक यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे, या ओवरऑल अगर हम यूजर इंटरफेस भी देखें तो ये काफी सिंपल है। उस लेवल से इसमें अभी भी काफी अपडेट्स किए जा सकते हैं, तो रूम जो इम्प्रूव करने का रूम है वो काफी बड़ा है, इनको काफी मील दूर जाना है अगर आप इनको एक मैच्योर मोबाइल ऐप मार्केट में लानी है। तो जहां तक मोबाइल ऐप की बात है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से ज़िरोला फा फा बेटर है प्रोस्टॉक से। जहां तक अन्य फीचर्स की बात है, तो ज़िरोला तथा प्रोस्टॉक्स आमने सामने एकदम बराबर हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, चाहे परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे के कंपैरिजन में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बराबर हैं। अब हम बात करना चाहेंगे इन दोनों के ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर, जो कि प्रोस्टॉक्स काफी ट्रांसपेरेंट लेवल पे अपने क्लाइंट्स को बताता है। इस डिफरेंस को देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं ourdigitalblogger.com। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके ओवरऑल बिल का पार्ट होते हैं, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग ट्रांजैक्शन फीस होती है। तो अगर हम इक्विटी डिलीवरी तथा इंट्राडे की बात करें, तो वो स्टैंडर्ड फीस है 0.00325% पे। तो प्रोस्टॉक्स और ज़िरोला दोनों आपसे इन दोनों सेगमेंट्स में इतना परसेंटेज ही चार्ज करते हैं। अब बात आती है इक्विटी फ्यूचर्स की। तो अगर हम क्लोजली देखें, तो इक्विटी फ्यूचर्स में 0.00190% प्रोस्टॉक्स आपसे चार्ज करता है। ये परसेंटेज आपके ट्रेड वैल्यू का है। जहां हम ज़िरोला की बात करें, तो इक्विटी फ्यूचर में 0.0021% ज़िरोला आपसे चार्ज करता है। तो एक मार्जिनल डिफरेंस है, जिसमें प्रोस्टॉक्स ज़िरोला से थोड़ा सा चीप महसूस होता है। जब हम बात करेंगे इक्विटी ऑप्शंस में, तो प्रोस्टॉक्स आपसे 0.050% चार्ज करता है। उसी लेवल पे ज़िरोला आपसे 0.053%। तो मामूली सा ही सही, लेकिन फर्क जरूर है। तो अगर आप हायर ट्रेड वैल्यू में खेलते हैं या आप हायर ट्रेड वॉल्यूम पे खेलते हैं, उन दोनों लेवल्स पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़िरोला को रिलेटिवली ज्यादा देने होंगे। तो अगर आप ओवरऑल बिल की बात करें, जहां हम शुरुआत में ब्रोकरेज की बात कर रहे थे कि ज़िरोला आपसे 20 रुपये मैक्सिमम लेता है और प्रोस्टॉक्स आपसे 15 रुपये, तो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से कि कितना वॉल्यूम और कितना स्केल पे आप खेलते हैं, और आप उस हिसाब से अपनी ओवरऑल ब्रोकरेज या टोटल जो फी देनी है आपको, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो जनरली ओवरलुक कर दिया जाता है। तो ये था कंपैरिजन ज़िरोला तथा प्रोस्टॉक्स के बीच में। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर स्टॉक ब्रोकर चूज करने में आपको कुछ भी मदद चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.rdigitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम आपके लिए कुछ फ्री कॉल बैक सेटअप करेंगे। ये फ्री कॉल बैक्स हैं, आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइड शेयर पे हमें अडिजिटल ब्लॉगर हैंडल के साथ फॉलो भी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर। बाय बाय।